अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, दो लकड़ी के गुटके ए तथा बी, दो लकड़ी के गुटके ए तथा बी एक लंबी भारहीन जंजीर के द्वारा चित्र के अनुसार जुड़ा है। प्रत्येक गुटके का भार दो सौ न्यूटन है। यदि गुटके तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक जीरो पॉइंट फोर हो तो वह अपेक्षित बल ज्ञात करें जिससे गुटका ए बी की तरफ चलना शुरू कर दे। इसी में है, यदि गुटका बी पर बल का मान ज्ञात करें, कि पूरा संयोजन दाएं ओर चलना शुरू कर दे। फिगर दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, दो लकड़ी की गुटके ए तथा बी एक लंबी भारहीन जंजीर के द्वारा चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं। दो गुटके हैं ए और बी, दोनों जुड़े हुए हैं चित्रानुसार। प्रत्येक गुटके का भार 200 न्यूटन है, यानी ए का भार और बी का भार भी 200 न्यूटन है। यदि गुटके तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक, यहाँ म्यू की वैल्यू जो है वो 0.4 है, तो वह अपेक्षित बल ज्ञात करें, यव का मान निकालना है जिससे गुटका ए बी की तरह चलना शुरू कर दे। तो पहला केस हम लेंगे कि ए जो होगा वो बी की तरह चलना शुरू कर दे। तो पहले हम ए का एफबीडी बनाते हैं। ए का एफबीडी बनाएंगे,
आप कहेंगे इसका जो भार होगा, भार कितना है? 200 न्यूटन। नीचे की तरफ काम करेगा, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ काम करेगा, ये हो गया। ये ए से बी की तरफ जा रहा है, गति इधर होगी, तो हम कहेंगे घर्षण बल विपरीत काम करेगा, म्यू आर, और आप इसके ऊपर एक बल लगा रहे हैं, यही पी का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है वह अपेक्षित बल ज्ञात करें, यानी पी का मान ज्ञात कीजिए जिससे गुटका ए से बी की तरफ चलना शुरू कर दे। तो ए से बी यानी पी का मान आपको निकालना है। अब कैसे निकलेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो कर दे, तो कहेंगे आर की वैल्यू कितनी होगी? 200 न्यूटन होगी। आर निकाल लिया आपने, म्यू की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 0.4। अब हम समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दें, तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू आप देख सकते हैं पी की वैल्यू प्लस एक्स में है, इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। तो पी की वैल्यू हो गई म्यू 0.4 इंटू आर की वैल्यू है 200, यानी पी की वैल्यू हो गई आपकी 80 न्यूटन। ये पहला क्वेश्चन था। पहले में कहा गया था कि ए बी की तरह चलना शुरू कर दे, तो हमने ए का एफबीडी बना लिया और उसपे हमने संतुलन के नियम को अप्लाई करके और कूलाम के नियम को अप्लाई करके, न्यूटन के नियम को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। किसका? पहला न्यूटन का नियम कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, दूसरा कूलाम का नियम कि जिधर गति करता है ऑब्जेक्ट उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है, और तीसरा हमें संतुलन का नियम ज्ञात होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ताकि कोई वस्तु संतुलन में बना रहे। हम दूसरा केस सॉल्व करेंगे। इसमें दूसरा केस क्या कहा गया है, गुटका बी पर बल का मान ज्ञात करें। ये देखिए बी पे आपको बल का मान निकालना है। सपोज कीजिए यहां पे आप बल लगा दे रहे हो क्यू, तो बी पर बल का मान ज्ञात करना है। इसका जो भार होगा वो 200 न्यूटन है, यह एक रस्सी की सहायता से, जंजीर की सहायता यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, इसका भी भार नीचे की तरफ काम करेगा 200 न्यूटन, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ आर आर प्रतिक्रिया, इधर यदि गति आप फोर्स लगाओगे तो गति क्या होगी? कहा गया है कि यह दाइन पूरा संयोजन दाहिनी ओर चलना शुरू कर दे। तो दाहिनी ओर का मतलब क्या हुआ? दाहिनी ओर का मतलब हुआ कि ये गति दाहिनी ओर होगा, तो घर्षण बल विपरीत में काम करेगा म्यू। सपोज कीजिए इसका आर ए है और यहाँ पे आर बी है, तो म्यू आर ए ये हो जाएगा, इसका घर्षण बल कितना हो जाएगा? म्यू आर बी। इसमें एक टेंशन उत्पन्न होगा टी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इसका एफबीडी हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो करते हैं, तो आप कहेंगे आर ए की वैल्यू कितनी होगी? 200 न्यूटन, और आर बी की वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन। आर ए और आर बी हमने निकाल लिया है। अब फिर हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, तो आप कह सकते हो कि इधर हो गया आपका क्यू, उधर टेंशन तो खत्म हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर ए प्लस म्यू आर बी, तो हो जाएगा क्यू की वैल्यू म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.4, आर ए, आर ए की वैल्यू है 200 प्लस म्यू 0.4, आर बी, आर बी की वैल्यू है 200। सॉल्व करेंगे क्यू की वैल्यू हो गया 160 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 160 न्यूटन का बल लगाएंगे तो पूरा जो कॉम्बिनेशन इस पॉड के 60 न्यूटन खींचते हैं तो यह वस्तु दाहिने तरफ चलना शुरू कर देगी। ओके, थैंक यू।